देश के हर वर्ग ने, समाज के हर तबके ने टेक्नोलॉजी आधारित ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स को बहुत ही कार्यकुशल, प्रभावी और किफायती तरीके से अपनाया है। डिजिटल इंडिया के इसी संकल्प को आगे बढ़ाती एक नई पहल है ई रूपी। यह भारत के सबसे सफलतम पेमेंट प्लेटफॉर्म भीम यूपीआई पर आधारित है। ई रूपी आरबीआई स्वीकृत एक प्रीपेड ई वाउचर है, जिसे एनपीसीआई यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने वित्तीय सेवा विभाग और बैंकों के सहयोग से विकसित किया है। ई रूपी विशिष्ट सेवा के भुगतान के लिए लाभार्थी को जारी किया जाता है। यह एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है, जिसे लाभार्थी के मोबाइल पर भेजा जाता है। इस कोड के माध्यम से सेवा प्रदाता के अकाउंट में डायरेक्ट फंड ट्रांसफर किया जाता है। सरकारी संस्थाएं, कॉरपोरेट या कोई भी सेवा प्रायोजक अपने पार्टनर बैंक की मदद से ई रूपी वाउचर जनरेट कर सकते हैं। सेवा प्रदाता केंद्र पर लाभार्थी ई रूपी के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। सेवा प्रदाता केंद्र वाउचर के रूप में मिले क्यूआर कोड या एसएमएस को स्कैन करेंगे। लाभार्थी के वेरिफिकेशन के लिए एक कोड लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। वेरिफिकेशन हो जाने पर तुरंत भुगतान होने की पुष्टि हो सकेगी। यह वाउचर कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस है। इसका उपयोग सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। यह पूरी तरह से सुरक्षित और विश्वसनीय है। लाभार्थियों की निजी जानकारी पूरी तरह से गोपनीय होती है। ई रूपी सुनिश्चित करता है सेवाओं की टारगेटेड और लीक प्रूफ डिलीवरी, वितरण प्रणाली के सरलीकरण के साथ साथ न्यूनतम प्रशासनिक लागत। ई रूपी सरकारी योजनाओं का लाभ जन सामान्य तक पहुंचाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है।